हेलो व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एक पुडिंग जो कि बनके बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी होता है। और इसको हम बनाएंगे कस्टर्ड से। वैसे तो कस्टर्ड की पुडिंग बहुत सारी होती हैं, और वैसे भी पता है कि कस्टर्ड से जो भी हम बनाते हैं वो बहुत ही जल्दी बनके तैयार होता है, तो ये भी हम कस्टर्ड से ही बना रहे हैं। तो ये हम बना रहे हैं कस्टर्ड और ब्रेड के साथ बनने वाला कैरेमल केक, जो कि बहुत जल्दी बनेगा। तो चलिए अब हम इसकी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम कैरेमल बनाएंगे। इसके लिए हम आधा चम्मच देसी घी हमने डाल दिया है, और इसमें हम 4 टेबल स्पून चीनी डालेंगे। फ्लेम बिल्कुल लो होगा हमारा, और अब हमें इसको कंटिन्यू चलाते हुए हमें इसको कैरेमल कर लेना है। देखिए ये अब धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है, तो अब हमें और ध्यान रखना है, इसको हमें चलाते रहना है। ये अब मेल्ट हो गया है, अब हमें थोड़ी देर इसको और पकाना है कि इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए। और अब हम फ्लेम बंद कर देंगे, नहीं तो ये इसका टेस्ट जो है वो कड़वा हो जाएगा। ये हमारा तैयार हो गया। अब हमें जिसमें भी बनाना है केक को, वो टिन या बाउल कुछ भी आप ले लीजिए, और उसी में हम इसको डाल देंगे। तो देखिए हम इसमें बना रहे हैं, तो ये जो हमारा कैरेमल है शुगर, इसमें हम इसको डाल देते हैं। और इसको अच्छे से इस तरह से फैला लेंगे इसमें। बहुत ही जल्दी ये सूखना शुरू हो जाएगा, इसलिए जल्दी से इसको हम इस तरह से फैला लेंगे। और इसके जो साइड्स हैं इनको निकाल के और हमें इसे बिल्कुल रफली कट कर लेना है। दो कप दूध डालेंगे, और इसमें बॉयल आने देंगे। ये हमारा वनीला कस्टर्ड है, 2 टेबल स्पून हम वनीला कस्टर्ड पाउडर लेंगे, और इसमें थोड़ा सा दूध डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे। दूध में 3 टेबल स्पून चीनी डाल देंगे, या अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो आप चीनी की क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं। और इसमें देख सकते हैं आप, बॉयल आ गया है। इसमें हमारा जो ये कस्टर्ड है, ये हम कस्टर्ड डाल देंगे, और इसको अच्छे से चलाते हुए इसको हम पकाएंगे। और ये हमने ब्रेड जो था उसका पाउडर बना लिया है, ये थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे। इस तरह से चलाते हुए हम इसे पकाएंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से थिक हो जाए बिल्कुल। ये देख लीजिए, हलवा के जैसे इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है। अब हम फ्लेम बंद करेंगे, और जो हमने ये वो वाला बाउल है हमारा जिसमें हमने कैरेमल डाला था, इसमें इसको हम ट्रांसफर कर देंगे। और ये हमने एक कढ़ाही लिया है, उसमें 1 ग्लास पानी डाला, उसके ऊपर हमने स्टैंड रख दिया है। आप कोई भी कढ़ाही, पतीली, कुछ भी ले सकते हैं। और उसमें देखिए बॉयल आ गया है, हम ये इसके ऊपर रख देंगे जो हमारा ये था, और इसको हम अच्छे से ढक देंगे, ताकि कुछ ऐसे बर्तन से, अब ये कढ़ाई का ये हम लगा रहे हैं, ये तो इससे तो नहीं ढक रहा, इससे हमारा साइड से निकल रहा है लिड लगाने से। तो हम कोई भगोना या कुछ भी ऐसा लेंगे जिससे कि ये पूरा अच्छी तरह से कवर हो जाए। तो हम इसको कवर करके और 25 से 30 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। अब ये हो गया, अब हम इसको फ्रिज में रख देते हैं 1/2 घंटे के लिए, ठंडा होने के लिए। तो ये हमारा हो गया है 1/2 घंटा फ्रिज में रखे हुए, अब हम इसको निकाल लेते हैं। कितने अच्छे से सेट हो गया ये हमारा, हम इसको कट भी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये देखने में ही कितना सॉफ्ट लग रहा है, और कितनी आसानी से कट जा रहा है, और देखने में इतना अट्रैक्टिव भी ये है कि बच्चों के सामने अगर आप बना के रख दें, उनका कुछ ना भी खाने का मूड हो तो फिर इसको खा ही लेते हैं। आप अभी ये देखिए, मैं स्पून से भी इसको कट कर रही हूँ, और आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट और जूसी सा बिल्कुल दिख रहा है। तो जितना देखने में अच्छा है, उतना ही इस खाने में भी बहुत ही अच्छा है। आप चाहें तो इसको आप अनार से गार्निशिंग कर दें, वरना आप ऐसे भी खा सकते हैं। तो इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, हमें उम्मीद है ज़रूर पसंद आएंगे।
और अगर पसंद आए तो मेरी रेसिपी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियोस अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अब हम आपसे नेक्स्ट रेसिपी में। बाय।